हेलो एवरीवन वेलकम बैक मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड्रयू मार्वल की पोयम द गार्डन अ वर्ड जैसे आपने देखा गार्डन तो एक सिनेरियो बन गया ना कि पेड़ पौधे फूल पत्तियां हरा भरा जो एरिया है दैट इज़ गार्डन बिल्कुल सही पोयम के अंदर ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा आपको हर एक के अंदर गार्डन का ही जिक्र है पेड़ पौधों पत्तियों का ही जिक्र है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है ये पोयम यानी प्रकृति का जिक्र तो किया है लेकिन प्रकृति को क्या बताया है किस चीज़ से रिलेट किया है ये वाइज हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस पोएम का ना बेस जान लेते हैं या ये कहिए कि थोड़ा सा पोएम से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से आपको पोएम समझ में आ जाए और जगह जगह बार बार कहीं कहीं किसी किसी बुक के अंदर जाकर नहीं देखना पड़े यहीं से आपका एकदम से पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाए तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड ये जो पोएम है ये आप जानते ही हैं कि एंट्र्यू मारवेल ने लिखी है है ना ये तो आपने हेडिंग में देख लिया ठीक है अब एंड्रयू मार्वल ने ये जो पोयम लिखी है ना इसके अंदर उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए हैं या जो उन्होंने यहाँ पर अपनी फीलिंग्स शेयर की है जो सजेशन हमें दी है वो क्यों दी है क्या रीजन है पहले उसे जानेंगे एक्चुअली एंड्रयू मार्वल फेयरफेक्स स्टेट के मास्टर थे जो लॉर्ड थॉमस फेयरफेक्स द थर्ड उनकी बेटी मेरी फेयरफेक्स के ट्यूटर थे क्या थे ट्यूटर मेरी को पढ़ाने जाते थे अब इनकी फैमिली ना इनकी फैमिली थी भाई आर्मी मैन वालों की फैमिली क्योंकि लॉर्ड थॉमस खुद इंग्लिश सिविल वार जो हुई थी उसके अंदर सिविल वार के अंदर ना ये एज ए जनरल आर्मी में थे यानी ओलिवर क्रॉमवेल उस समय पे राजा थे और उनकी आर्मी में जनरल थे अब आर्मी मैन की फैमिली के इतने क्लोज रहने की वजह से एनजू मार्वल ने इनकी लाइफ देखी थी कितनी हैप्टिक लाइफ थी सोफिस्टिकेटेड लाइफ हो गई थी हाँ कि विजय प्राप्त करने के लिए जीतने के लिए मतलब हर संभव प्रयास करना तो ये कहते हैं कि मतलब जैसे फेम प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करना ना व्यर्थ है क्योंकि पीस नहीं मिल पाता शांति नहीं मिलती शांति सुकून और मासूमियत की अगर बात करें ना तो प्रकृति में मिलता है नेचर में मिलता है और कुछ क्रिटिक्स ने तो इनकी ये जो पोएम है इस पोयम को रिलेट कर दिया एकांतवास से कि सामाजिक जीवन से दूर एकांतवास में आराम मिलता है इस चीज़ के ऊपर जोर देने वाली ये पोएम है गार्डन क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक बोल दिया मार्वल के ना यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलेंगे ये एक्सपीरियंस उन्होंने लिए थे जब वो याक शहर में रहते थे याक शहर जगह है एक देहाती और शांतपुर थी उस समय तो जिस समय पे एंड्रू मार्वल रहते थे तो उस जगह को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं और वहां का वर्णन करते हैं वो इस पोएम में तो चलो देखते हैं अच्छे से हम एक एक स्टेंजा को हर स्टेंजा से आपको पता चलेगा एंड्रयू मार्वल के बारे में भी उनकी सोच के बारे में भी और प्रकृति के बारे में भी स्टार्ट करें ठीक है वेरी फर्स्ट स्टेंजा सबसे पहले स्टेंजा को लाइन बाय लाइन स्टडी करें उससे पहले मैं बता दूं आपको इसका बेस ठीक है बेस मान लो आप असेंस मान लो या ये समझ लो कि इसका एक तरह से पूरा का पूरा निचोड़ क्या है पहले वो समझ रहे हैं हम ठीक है तो ये जो हमारा स्टेंजा है ना इस स्टेंजा के अंदर उन्होंने कुछ तीन तरह के पेड़ों की बात करी है पाम ट्री ओक ट्री एंड बेज बेज लोरल भी होता है है ना बे को लोरल ट्री भी बोलते हैं ये कहते हैं कि पाम ट्री ओक ट्री बेज वैसे तो ये नेचर के एलिमेंट है नेचर के एलिमेंट है सारे के सारे है ना लेकिन इनका कुछ मतलब है ये किसी चीज के साथ रिलेट करते हैं वो रिलेशन मैं आपको बताती हूँ हाँ उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा देखो पाम ट्री है ना ये पाम ट्री रिलेट करती है मिलिट्री वर्च्यू से यानी कोई मिलिट्री के अंदर रहते हुए कोई बहुत बड़ा काम करता है तो उसको इनाम के तौर पे पाम ट्री के पत्तों का ताज पहनाया जाता था ठीक है यानी जिसके अंदर मिलिट्री वाले गुण हो उसे पाम का जो पत्तों का जो ताज बनाया जाता है ना वो पहनाया जाता था उसके बाद बात आती है ऑक ट्री की ठीक है ओक सिंबल है यहाँ पे सिविक वर्च्यू की यानी नागरिक गुण जो होते हैं ना वो अच्छा नागरिक है कोई तो उसको ये इनाम दिया जाता था यानी ओक ट्री के जो पत्ते हैं उनका ताज बनाकर उसको पहनाया जाता था ये तीनों के तीनों जो पेड़ हैं और तीसरा जो आपका बेज है यानी कि लरल जो है ये तीनों के तीनों अलग अलग क्वालिटी लिए हुए हैं यहाँ पे यानी स्ट्रेंथ का हाँ विक्ट्री का इनका सूचक है ये एक तरह से तो ओक ट्री जो है ये पोइटिक वर्च्यू के लिए यानी जो जिसके अंदर काव्यात्मक गुण होता था ना उनको दिया जाता था औग के पत्ते जो थे उनका बनाकर और ताज पहनाया जाता था ठीक है यहाँ पे इस टेंजा के अंदर वेरी फर्स्ट टेंजा के अंदर वो प्रकृति के बारे में जिक्र करे कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हाँ आराम प्राप्त करने के लिए पीस के लिए मासूमियत के लिए मुझे तो लगता है कि उसकी मेहनत जो है ना उन लोगों की मेहनत बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि जितना सुकून नेचर में मिलता है ना प्रकृति में मिलता है उतना सुकून कहीं नहीं मिलता चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले ये इनाम लेने के लिए यानी पाम ट्री जो है उसका ताज पहनने के लिए ओक का बेज का इनका ताज पहनने के लिए लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं लगातार मेहनत करते रहते हैं लेकिन वो सुकून वो शांति नहीं मिल पाती जो एक छोटा सा हब जो है या फिर छोटा सा एक पेड़ का जो पत्ता जो है वो दे जाता है वो शांति खुशी वो पूरी ज़िंदगी की मेहनत नहीं दे पाती तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपको इसका मेन जो सार है वो तो पता लग गया अब करते हैं हम वर्ड टू वर्ड या एक्सप्लेनेशन वेरी फर्स्ट लाइन ओक और फुल स्टॉप नहीं है इट मीन ये लाइन कंटिन्यू है ये कंप्लीट होती है ना मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कपलेट है चार कपलेट है ऑक्टेव कह सकते हो आप या चार कपलेट है और देखिए राइम्ड है बहुत प्यारी सी राइम स्कीम है इसकी उसे भी हम डिस्कस करेंगे इसीलिए कह रही हूँ वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना बहुत यूजफुल है ये आपके लिए हाउ वेनली वेनली इट मीन्स फॉर नथिंग व्यर्थ मैन लोग दैम सेल्वस अमेज अमेज का मतलब होता है इंप्रेस करना एक तरह से ठीक है कि कैसे है ना लोग अपने आप को इंप्रेस कर रहे हैं इन सारी चीजों को जीतने के लिए किन चीजों को जीतने के लिए पाम इट मीन्स किसी भी मिलिट्री के अंदर वर्च्यू प्राप्त करने के लिए ओक ट्री यानी का मतलब सिविक वर्च्यूज लेने के लिए और बेज या कहिए कि पोइटिक वर्च्यू के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं यानी फेम के लिए पावर के लिए पॉपुलैरिटी के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ ये मेहनत क्या है ये व्यर्थ है मुझे तो ये मेहनत जो है वो यूजफुल नहीं लगती ठीक है कहने का मतलब क्या है पोइट जो है वो कह रहे हैं कि जो सोशल सर्कमस्टांसेस हैं वर्ल्डली डिज़ायर्स जो हैं वर्ल्डली थिंग्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना मेरे हिसाब से तो व्यर्थ है अगर आपको शांति चाहिए सुकून चाहिए या फिर मासूमियत से रूबरू होना है तो प्रकृति के टच में आ जाओ ठीक है तो चलिए पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा सबसे पहले आप देखिए हमने बात की थी पाम ट्री की ओके ऑक ट्री की एंड बेज यानी लरल की ठीक इनकी बात की थी अब पोइटिक डिवाइस के अंदर हम आपको इनके बारे में बताते हैं देखिए सबसे पहले पाम ट्री की बात करते हैं तो पाम ट्री ना यहाँ पे सिंबल है विक्ट्री का किसका सिंबल है विक्ट्री का पाम उसके बाद बात करते हैं ओक ट्री जिसके आ, हमने आपके साथ में एक पोएम भी डिस्कस करी थी जिसके अंदर ओक ट्री और लिली फ्लावर जो उसका कंपैरिजन था ना नोबल नेचर का तो उसके अंदर भी ये बताया गया था कि 300 हंड्रेड ईयर्स तक जीता है इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है ये वो बात हुई थी ना तो ये सिंबल है स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ के लिए यूज़ हुआ है और लोरल की जहाँ बात की जाए या बे की अगर बात की जाए तो भाई ये फेम का यहाँ पे सिंबल है तो यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है तीनों पेड़ के पत्ते जो हैं उनका ताज बनाकर पहनाया जाता है जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई मिल्ट्री वर्च्यू वाला अगर बंदा होगा मिल्ट्री के अंदर किसी ने कुछ अच्छा काम किया होगा तो उसको तो पहनाया जाता है पाम ट्री का जो पत्ते होते हैं ना उनका ताज बनाकर और अगर किसी के अंदर सिविक वर्च्यू होते हैं तो ओक ट्री का और अगर पोइटिक वर्च्यू की बात की जाए तो लॉरल ठीक है तो ये यहाँ पर जो दो लाइन है आपकी कंप्लीट होती हैं पोइटिक डिवाइसेस के साथ में आगे चले चलिए नेक्स्ट टू लाइन एंड देयर अनसीसेंट अनसीसेंट का मतलब होता है नेवर एंडिंग जो कभी खत्म नहीं होता यानी बिना थके हुए लगातार जो ये मेहनत कर रहे हैं ना कि एंड देयर देयर ये जो लोग हैं बिना थके बिना रुके मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हर्ब्स और ट्री कि इनमें से किसी भी एक पेड़ का किसी भी एक पेड़ का क्राउन पहनने के लिए मेहनत कर रहे हैं यानी किसी भी एक फील्ड में चाहे तो वो फील्ड कौन सा है मिलिट्री का ओके चाहे तो वो फील्ड कैसा है सिविक कोई भी क्वालिटी हो सकती है इंसान के अंदर या पोइटिक ठीक है क्योंकि पहले के टाइम में लोग जो है मेजोरिटी तीन फील्ड के अंदर ज़्यादा इनाम लेते थे तीन फील्ड के अंदर ज़्यादा अपना नाम करते थे हाँ फेमस होते थे मिलिट्री में हो जाते या फिर कुछ ऐसा अच्छा कर जाते थे कि अच्छे नागरिक का उनको इनाम मिल जाता था या फिर पोयटिक की पोइटिक जो है क्वालिटी उनके अंदर इतनी अच्छी होती थी कि पोइटिक फील्ड के अंदर वो अपना नाम कर देते थे तो तीन ऐसे फील्ड होते थे तो ये कह रहे हैं कि बिना रुके बिना थके जो मेहनत कर रहे हैं लोग इनमें से किसी एक पेड़ का ताज प्राप्त करने के लिए तो मुझे तो लग रहा है कि ये सबका सब व्यर्थ है क्लियर देखिए आगे चलते हैं हम इसकी पोइटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे अब देखो यहां पर पोइटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे तब आपको बताते हैं इनके बारे में देखिए ये यह लाइन यहां रुकी नहीं आगे मूव कर रही है तो यहां पे एंजाममेंट है ये चीज तो मैंने आपको वेरी फर्स्ट में भी बता दिया था यहां एंजाममेंट आपको हर एक कपलेट के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है अब देखो यहाँ पे का है क्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हर्ब्स 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 क्या होती है औषधि के लिए जो यूज़ की जाती है ना पत्तियां उनको कहते हैं हर्ब्स वो पौधे जो औषधि के रूप में यूज होते हैं और ट्रीज ट्रीज यानी पेड़ ये ये कह रहे हैं कि बिना थके बिना रुके जो मेहनत कर रहे हैं ये लोग कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की प्रसिद्धि के लिए मुझे लगता है ये व्यर्थ है एक छोटा सा पत्ता है ना किसी भी औषधि का एक छोटा सा पत्ता इतना सुकून दे देता है जितना कि इनकी अथक मेहनत भी नहीं दे पाती क्लियर अब चलते हैं आगे शॉर्ट एंड शेड शेड का मतलब था लिमिटेड एरिया ऑफ शेड यानी ये जो पत्ती आपने देखी अब जैसे मान लीजिए ये इस तरह से कोई पत्ती बनी हुई है ओके okay? इस तरह से मान लीजिए कोई पत्ती बनी हुई है अब इसका जो शेड है ना ये लिमिटेड एरिया का शेड है बहुत लिमिटेड एरिया का शेड है डज प्रूडेंटली देयर टॉयल अपब्रेड प्रूडेंटली का मतलब वाइजली मतलब बहुत बुद्धि से टॉयल यानी एक्जर्शन एग्जर्शन का मतलब होता है थका देना थक जाना अपब्रेड यानी क्रिटिसाइज करता है कि इनकी छोटी सी जो है ना छोटे छोटा सा का जो घेरा होता है अब उन्होंने इतनी मेहनत करी पूरी ज़िंदगी लगा दी और पूरी जिंदगी लगा देने के बाद में एक छोटा सा अगर इनाम मिल गया हाँ तो कितने दिनों के लिए लोग उनको जानेंगे अगर किसी को मिल भी गया तो जैसे अब प्रेजेंट की बात कर लो किसी भी को मतलब कोई भी वेल well पर्सनैलिटी कोई है वेल well नोन कोई भी पर्सनैलिटी है एक बार के लिए बहुत अच्छे से छा जाते हैं जब कोई इनाम मिलता है तो लेकिन फिर बाद में धीरे 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 लोग उसको भूल जाते हैं हाँ तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट हैं वो यही कहने की कोशिश करें कि ज़िंदगी लगा देते हैं मेहनत करने में ठीक है उसके बाद उनको जाकर कहीं एक छोटा सा कोई इनाम मिलता है और वो फिर कुछ दिनों के अंदर ही लोग उनको भूल जाते हैं उस इनाम को उस इंसान को भूल जाते हैं यहाँ पर लेकिन एक छोटा सा पत्ता भी किसी पेड़ का वो वो शांति दे जाता है वो सुकून दे जाता है जो उनकी पूरे जीवन की मेहनत नहीं दे पाती क्लियर अब देखिए पोइटिक क्वालिटी कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन है देखो द शेड ऑफ द ट्री इज गिवन ह्यूमन इक्वालिटी ये प्रूडेंटली बोला है ना प्रूडेंटली का मतलब क्या था देखिए प्रूडेंटली का मतलब था वाइजली यानी बुद्धिमता से तो यह पर्सोनिफिकेशन हो गया क्योंकि यहाँ कैसी क्वालिटी दिखा दी ह्यूमन क्वालिटी दिखा दी कि वाइजली यूज करते हैं इस शेड को यानी ये जो पत्ती है इसका भी शेड जो है इसका इसकी भी जो परछाई है ना वो भी इतना सुकून दे देती है या कहीं उससे ज़्यादा जो आपको पूरे जीवन की मेहनत नहीं दे पाती कई बार वो भी आपको सुकून दे देती है तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है परसोनिफिकेशन यूज हुआ है चले आगे नेक्स्ट टू लाइन वाइल्ड ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्डलैंड ऑफ री पोज अब देखिए इसके अंदर क्या बताया है कि सभी सॉरी जबकि सभी फूल और पेड़ जो है ना वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं जब हमें आराम देना होता है उन्हें रिपोर्ज का मतलब रेस्ट होता है गार्लेंट यानी माला क्योंकि जब कोई इंसान जीतता है हु? तो उसको माला पहनाई जाती है अब वो जब वो जीतता है विक्ट्री जब उसको मिलती है तो उसने क्या किया है उसने बहुत मेहनत की है ना बहुत लेबर किया है उसके बाद उसको वो माला पहनाई गई है वो माला पहनाने से उसको आराम नहीं मिलता उसको आराम कब मिलता है जब वो कहीं फूलों या पेड़ों की छाव में आता है उनके पास आकर लेटता है उनके क्लोज आता है जब उन्हें आराम मिलता है तो ये कह रहे हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद में जाके कहीं एक छोटा सा प्रशंसा जो है उनको मिलता है एक छोटा सा जो मुकाम जो है वो उनको मिलता है लेकिन उनको आराम नहीं मिल पाता आराम कब मिलता है जब वो प्रकृति के क्लोज आते हैं ठीक है कहने का मतलब क्या है पूरा का पूरा जो स्टेंजा है आपका ये स्टेंजा जो है ये ये चीज हमारे सामने क्लियर कर रहा है कि इंसान जो है ना वो मतलब बहुत मेहनत करता है बहुत कोशिश करता है कि उसको फेम मिले लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स के अंदर फ़ेम के लिए जो भी एफर्ट्स वो करता है सब टाइम वेस्ट लग रहे हैं यहाँ पे स्पीकर को पोइट को क्योंकि वो फेम और कंफर्ट लॉन्ग टाइम तक रुकता नहीं है वो आराम नहीं देता है जबकि जब हम फूल पेड़ के नज़दीक आ जाते हैं ना तो हमें आराम मिलता है क्योंकि इनकी जो छोटी और संकरी किनारों वाली जो छाया है ना वो इनके मतलब उनके परिश्रम जो है ना उनकी मेहनत जो है ना उनसे ज़्यादा कहीं असर करती है उनकी मेहनत से तो उन्हें थोड़ी देर के लिए ही रिवार्ड मिला थोड़ी देर के लिए उनको आराम मिला सुकून मिला लेकिन इनकी जो छोटी छोटी सी जो कोशिश है ना इनकी छोटी छोटी सी जो छाया है वो इतना सुकून दे जाती है जितना कि उनकी पूरे जीवन की मेहनत नहीं दे पाती ठीक है तो इसकी पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं लास्ट टू लाइन्स की सबसे पहले तो मेटाफर कि द फ्लावर्स एंड ट्रीज़ वीविंग गार्लेंड्स फ्लावर्स और ट्रीज़ जो है वो गार्लेंड्स बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ मेटाफोरिकल यूज किया है नेचर की एबिलिटी को हाँ ब्यूटी और सीरेंट्री को तो यहाँ आ गया मेटाफर परसोनिफिकेशन भी आ गया क्योंकि फ्लावर और ट्रीज क्या कर रहे हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में क्या करने के लिए गार्डेंस बनाने के लिए तो दोनों चीज है मेटाफर भी है और परसोनिफिकेशन भी है क्लियर चलिए नेक्स्ट एंजा पे चलते हैं अपन फेयर क्वाइट अब सेकेंड स्टेंजा की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका पूरा का पूरा असेंस ताकि अच्छे से समझ में आए आपको यहां पे इस स्टेंजा में पोइट को ना शांति और इनोसेंस जो है यानी पीस और इनोसेंस इनोसेंस यानी मासूमियत हां इनोसेंस होती है मासूमियत वो मिलती है कहां गार्डन के अंदर यानी प्रकृति के टच में गार्डन के अंदर जो हमारे पोइट है ना उनको मिली शांति पीस और इनोसेंस लोगों की भीड़ में तो पोइट को ना कभी भी ये चीज़ नहीं मिली लोगों की भीड़ के अंदर उनको सिर्फ क्या मिला है उनको सिर्फ रूडनेस मिली है उनको जैसे बर्बरता होती है उदासी होती है परेशानी दिक्कतें स्ट्रगल बस ये मिला है ठीक है तो इस टेंजा के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करें एक एक वर्ड को समझते हैं ना बहुत ध्यान से देखिए फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर फीयर क्वाइट क्वाइट का मतलब शांति चुप्पी हाँ कि मुझे यहाँ पर क्या मिली है फेयर क्वाइट यानी एक चुप्पी मिली है पीसफुलनेस मिली है, हैव आई फाउंड दी यू हेयर कि मुझे तुम यहाँ पर मिली हो एंड इनोसेंस और मुझे मासूमियत भी यहाँ पर मिली है जो कि तुम्हारी बहन कहलाती है क्योंकि जहाँ पर पीस होगा ना जहाँ पर पीसफुलनेस होती है जहाँ पर पीस होता है वहाँ पर आपको इनोसेंस भी देखने को मिलेगी जैसे मासूम बच्चे होते हैं बहुत मासूम से होते हैं हुँ? वो आपको ऐसे शांत शांत से नजर आ जब बिल्कुल शांत बैठे होते हैं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने जब वो शांत बैठे होते हैं ना जब वो बड़े मासूम लगते हैं बहुत मासूम लगते हैं अब पीसफुलनेस और इनोसेंस दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ये चीज़ें आपको मिलेंगी जैसे आप कोई फ्लावर देख रहे हैं ना उसके अंदर देखा कीजिए जब फ्लावर है ना आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा एकदम शांत और शांत होगा तो वहां पर क्या मिलेगा आपको इनोसेंस यानी मासूमियत दिखेगी आपको उस फूल के अंदर ठीक है तो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर क्या क्या मिला है दो चीज देखने को मिली है एक तो शांति और दूसरी मासूमियत और यहाँ क्वेश्चन भी निकल कर आ गया कि मासूमियत को किसकी बहन बताया है शांति की बहन बताया है ठीक है ठीके? तो अब हम करते हैं पोइटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन कि फेयर क्वाइट एंड इनोसेंस यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दी है दोनों को क्या ह्यूमन क्वालिटी दी है दोनों को बताया है दोनों के अंदर कैसी है ह्यूमन क्वालिटी वाली रिलेशनशिप है एंटिटीज है ओके चलिए नेक्स्ट टू लाइन पे चलते हैं मिस्टेकल लोंग आई सोच यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन कि मैंने गलती से इंसानों के अंदर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी मतलब मेरे से गलती हो गई थी मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया ढूंढता रहा मैं तुम्हें कहाँ पर लोगों की भीड़ में और लोगों की भीड़ में तो तुम मिलते ही नहीं हो क्योंकि लोगों के जीवन में कहाँ शांति है कहाँ मासूमियत है नहीं बची ना मासूमियत और शांति ठीक है तो इसमें क्या पोइटिक ना कोई फुल ना कोई कोमाजामेंट ओके चलिए नेक्स्ट टाइम योर सेक्रेट प्लांट्स इफ हियर बिलो ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं लोगों के बीच में तुम्हें ढूंढूं लेकिन तुम नहीं मिले मुझे वहाँ पर क्यों क्योंकि लोगों के बीच में ये सब चीज़ें नहीं मिलती तुम तो कहाँ मिलोगी ये पवित्र जो प्लांट्स हैं ना वहाँ पर अब देखो प्लांट्स को ना पवित्र बोला है क्योंकि प्लांट्स बेचारे मासूम होते हैं किसी को हर्ट नहीं करते वो जानबूझकर। कभी भी देखा है आपने कि कभी आप गार्डन में बैठे हो और कोई भी कांटा आकर अपने आप चुभ गया हो आपको कोई भी फूल आकर एकदम आकर आपके मतलब आपको टच कर दिया हो या किसी भी पेड़ ने आकर आपको स्लैप कर दिया हो कभी नहीं करते ना ये तो ये कैसे बताएं उन्होंने पवित्र बताया इफ हेयर बिलो ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो किस केवल इन प्लांट्स के बीच में ही ये सब चीज़ें मुझे मिली पोइटिक डिवाइस हेयर इज मेटाफर बिकॉज प्लांट्स सेक्रेट प्लांट यहाँ पे यूज किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वालिटीज़ कि स्पीकर जो है ना वो क्या देख रहा है यहाँ पे यहाँ पे लिटरल वेजिटेशन को ही नहीं देख रहा बल्कि क्वालिटीज को देख रहा है ठीक है नेक्स्ट टू लाइन सोसाइटी इज ऑल बट रूड सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ है वैसे तो लेकिन कैसा है रूड है बरबर -बर लोग हैं परेशान करने वाले जिक चिक करने वाले ऐसे लोग हैं टू दिस डिलीशियस सॉलीट्यूड कि सोसाइटी के अंदर इस तरह का शांति जो है ऐसी जो सॉलीट्यूड जो है ना कि एकांत जो है ये कभी नहीं मिल सकता और ये बहुत डिलीशियस है अब देखो डिलीशियस एंड सॉलीटूड दोनों के दोनों एक दूसरे से वैसे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि जब कोई इंसान अकेला होता है ना तो उसको मज़ा नहीं आता उसको वो चीज़ बहुत प्यारी नहीं लगती लेकिन यहाँ पे बताई है क्योंकि नेचर जो है ना नेचर के क्लोज गए हो वहाँ पे आपको कोई परेशान नहीं कर रहा आप सोचो एक बार के लिए इमेजिन करो आप बहुत थके हुए हो बहुत ज़्यादा थके, थके हुए हो परेशान हो बहुत ज़्यादा या तो दिमाग में कोई परेशानी चल रही है या फिर किसी से झगड़ा हुआ है आपका और जाकर आप किसी पेड़ की छांव के नीचे चेयर डालकर आराम से बैठ गए आँख बंद करके वहाँ आपको कोई भी परेशान करने नहीं आ रहा तो आपको सुकून मिलेगा थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर तो इस तरीके से इन्होंने यूज़ किया इस वर्ड को डिलीशियस वे तो डिशेज वगैरह के साथ यूज़ होता है बट हेयर ना

क्लियर दो स्टेंजेस हमारे कंप्लीट हो गए थर्ड स्टेंजा पे मूव करते हैं थर्ड स्टेंजा जो है पहले मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपकी ये जो पोएम है ना ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको देखिए इस स्टेंजा के अंदर कहा है कि ना तो सफ़ेद कलर और ना ही लाल कलर बहुत प्यारा होता है जबकि सबसे ज़्यादा प्यारा होता है ग्रीन कलर प्रकृति का अब ये सफ़ेद और लाल कलर जो है ये किस चीज़ का सिंबल है ये देख लो सफ़ेद कलर है जैसे सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो ठीक है कभी खुश हो कभी नाराज हो कभी दुखी हो तो वाइट कलर जो है ना वो सिंबल होता है सैडनेस का अकेलेपन का उदासी का हार का है ना और जो रेड कलर है ना ये सिंबल होता है लव का पेशेंट का है ना इस चीज़ का सिंबल होता है या आप कह सकते हैं ब्यूटी का भी सिंबल होता है जैसे लेडीज़ होती है लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं चिक्स को अपने को रेड वेड करती हैं जैसे अपने आप को तैयार करती हैं तो तो ये सिंबल किस किस चीज़ का हो गया एक तरह से ह्यूमन ब्यूटी का हो गया लव का हो गया पेशन का हो गया एंड वाइट इज द सिंबल ऑफ हाँ हार उदासी अकेलापन इन सब चीज़ों का सिंबल है क्लियर लेकिन ये कह रहा है कि ये दोनों भी बहुत खूबसूरत नहीं है खूबसूरत क्या है खूबसूरत है ग्रीन कलर ग्रीन कलर जो मिलता है प्लांट्स में जो मिलता है ट्रीज में ग्रास में है ना वो ज़्यादा खूबसूरत है और लोग जब प्यार में होते हैं ना तो क्या करते हैं बगीचे में जाते हैं एक दूसरे से मिलते हैं अपने वन का नाम पेड़ों पर लिख देते हैं ऐसा करके पेड़ों को हार्म करते हैं वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ट्रीज़ का ग्रीन कलर तो हमें पीस देता है उस ग्रीन कलर को भाई क्यों खराब करते हो आप उकेरते रहते हो वो के आप नाम लिखते रहते हो अपने लव वन का लिख देता है कोई भी कि जैसे जो भी नाम हो एक्सवाइजर्ड तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए तो इस तरीके से हम पेड़ों को परेशान करते हैं ठीक है चलिए अब करते हैं लाइन बाय लाइन इसको ताकि अच्छे से समझ में आए आपको देखिए No no white, no red was ever seen so amorous as this lovely green कि इतना प्यारा एमरस को मतलब लविंग इतना प्यारा कलर है ग्रीन जितना तो ना white है ना रेड है अब white और रेड मैंने आपको बता दिया किस चीज का symbol है कि जितना प्यारा ग्रीन होता है ना उतना प्यारा ना white है और ना ही रेड है अब यहां पर ना simply यूज हुई है भाई क्योंकि एज यूज हो गया कैसा बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत है ना तो यहाँ परसोनिफिकेशन भी आ गया क्योंकि ब्यूटी बताई है क्लियर नेक्स्ट टू लाइन पे चलते हैं हम फोन लवर्स फोन लवर्स मीन जो जिन्हें प्यार का शौक हो यानी जो प्यार में हो वो क्रूअल एज their फ्लेम जब वो प्यार में होते हैं ना बहुत क्रूअल हो जाते हैं अपने लव वन का ऐसे नाम लिख देते हैं देखो पेड़ को कैसे खराब कर देते हैं ऐसे ना काट पीट के चाकू लेके ऐसे ऐसे करके और drawing सी बना देंगे नाम लिख देंगे ऐसा करते हैं कट इन these चीज़ their मिस्ट्रेस नेम अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिखते रहते हैं और ये चीज़ उसको गलत लगती है हमारे स्पीकर को तो पोइटिक डिवाइसेज देखते हैं जस्टा पोजिशन कैसे देखिए जस्टा पोजिशन कैसे कि कंट्रास्ट है यहाँ पे फोन्ड लवर्स और फिर वो भी क्रूअल लवर है और साथ में क्रूअल हो गए अपोजिट हो गया ना जो किसी से प्यार करता है वो क्रूअल कैसे हो सकता है दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट है सो इज इज मेटाफर भी है बिकॉज फ्लेम 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 किसके लिए स्टैंड कर रहा है flame वैसे तो आग के लिए यू होता है लेकिन किसके लिए स्टैंड कर रहा है पैशनेट लव के लिए ओके okay? तो ये हो गया मेटाफर नेक्स्ट टू लाइन पे चलते हैं लिटिल अलास अलास में दुख होता है उसको दुख में जब आ करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं अलास दे नो और हिट दे नो और हिट हिट का मतलब पे अटेंशन क्या वो नहीं जानते या वो ध्यान नहीं देते मतलब मुझे बहुत दुख होता है ये चीज सोचते हुए कि क्या वो नहीं जानते या ध्यान नहीं देते कि हाउ फार दीज ब्यूटीज हर्स एक्सीड हर्स मीन उनकी जो लव वन है उनकी जो बिलव्ड है उनसे ज्यादा खूबसूरती तो इन पेड़ों के अंदर क्या उन लोगों को नहीं पता जब वो पेड़ों के ऊपर इस तरीके से करते हैं पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं क्या उनको नहीं पता कि ये पेड़ उनकी प्रेमिकाओं से भी ज्यादा खूबसूरत है देखिए पोइट्रिक डिवाइस एंजाममेंट हाँ कंटिन्यू एन ए लाइन हेयर इज एंजाममेंट चलिए नेक्स्ट टू लाइन्स पे मूव करते हैं हम फेयर ट्रीज वेयर एज एवर यो बाक्स आई वॉन्ट कि वो अपने ट्रीज को बोलता है खूबसूरत पेड़ों को कहता है फेयर ट्रीज यानी खूबसूरत पेड़ों अगर मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी कुछ लिखूंगा यानी मैं अगर तुम्हें जख्म दूंगा तुम्हारे ऊपर कभी भी ऐसे चाकू चलाऊंगा या लिखूंगा कुछ भी तो कोई नाम नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ तुम्हारा नाम लिखूंगा ठीक है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है वो पेड़ों के प्रति वो नेचर के प्रति अपना प्यार यहां पर जाहिर कर रहा है ठीक है तो यहां पर क्या पोइटिक डिवाइस आई मेटाफर क्योंकि वुंट जो वर्ड यूज हुआ है ना वो कार्विंग के लिए यूज हुआ है सो हेयर इज मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो वाय क्योंकि ट्रीज इन द गार्डन आर पर्सोनिफाइड एज वेल पर्सोनिफाई किया है ना क्योंकि पर्सोनिफाई क्यों फेयर ट्रीज बोला है देखो हा फेयर लेडीज फेयर ब्यूटीज यूज करते हैं हम किसके लिए बिलव्ड के लिए कर लेते हैं किसी भी लड़की के लिए यूज कर लेते हैं लेकिन यह ट्री के लिए यूज किया है सो हेर इज पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट टेन जहां पर चलते वेन वी हैव रन आवर पैशन अब यहां पर क्या है देखो पहले बता देती हूं कि जब हम अपने पैशन के क्लाइमैक्स पे पहुंच जाते हैं यानी लव के अंदर जब हम बिल्कुल एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है लव एट फर्स्ट साइट देन डेटिंग देन मैरिज मैरिज के बाद में एक दिन फेडप हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं हा? तो क्या हुआ एट लास्ट क्या हुआ परेशान हो गए ना थक गए ना लेकिन नेचर के साथ रहते हुए हम कभी परेशान नहीं होते ठीक है अब यहां ये यह कह रहा है कि जब हम लव में होते हैं और लव जब हमारा बिल्कुल एकदम पीक पे होता है ना जब एक दिन हम बिल्कुल फिडअप हो जाते हैं फिर जाते हैं भाई प्रकृति के टच में या तो लव में धोखा खा के जाते हैं या फिर लव से परेशान होकर जाते हैं लेकिन जाते ज़रूर है प्रकृति के टच में तो ये जो वर्डली थिंग्स है ना इनसे कभी ना कभी हम ऊब जाते हैं फिर नेचर के क्लोज जाते हैं और हमारी ब्यूटी के लिए जो तलाश है ना वो यहीं आकर खत्म होती है ऐसा देवताओं के साथ भी हुआ है यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने यूज़ करें चलिए देखते कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वैन वी हैव रन अवर पेशेंस हीट कि जब हम अपने पेशेंस की एकदम प्रकाष्ठा पे पहुँच जाते हैं हीट का मतलब एकदम समझो एकदम गहराई में जब हम चले जाते हैं प्यार में लव इधर मेक्स इज बीट रिट्रीट इधर यानी हेयर तो फिर प्यार क्या होता है प्यार जो है वो हमें वापस नेचर में ही धकेल देता है क्योंकि ऊब आ जाती है एक परेशान हो जाते हैं जैसा कि रिलेशनशिप के अंदर भी आपको देखने को मिलता है हस्बैंड वाइफ है लवर और बिलवड है पहले प्यार में बहुत अच्छा अच्छा रहता है सब कुछ बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा लगता है और फिर बाद में एक दूसरे की एक एक चीज़ जो है इरिटेट करने लगती है तो फिर वो क्या करवा देते हैं वो प्रकृति की तरफ रिट्रीट करा देते हैं क्लियर पोइटिक डिवाइस यर इज मैटर फॉर पैशंस हीट ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी हमारे प्यार की है ना एंड परसोनिफिकेशन बिकॉज लव इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज है ना रिट्रीट करवा रहा है ना वापस लौटने का काम करवा रहा है तो हेयर पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट टू लाइन द गोड्स मैंने आपको बताया कि भगवान ने भी ये काम किया है द गोड्स दैट मॉर्डल ब्यूटी चेज जो मतलब ब्यूटी खत्म होने वाली है उनका पीछा करते हुए स्टिल इन ए ट्री डिड एंड देयर रेस उन्हें भी पेड़ों के अंदर जाकर अपनी रेस को ख़त्म करना पड़ा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने यूज किए हैं उसके थ्रू uh, आपकी ये जो दो लाइन है वो भी एकदम समझ में आपको आने वाली है गोड्स दो तरह के गोड जो है उनके नाम इन्होंने यहां पर लिए हैं या आप कह सकते हैं कि दो गोड हैं जिनका रेफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तो है अपोलो ओके अब ये कौन है इनके बारे में देख लीजिए एलिजेंस वगैरह की बात की अभी हम डिवाइस जो है वो डिस्कस करेंगे इन चार लाइंस की एक साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना एक बार इसको कर लेते हैं क्योंकि ये इससे रिलेट कर रही है अपोलो अपोलो ग्रीक गॉड है भाई म्यूजिक के है ना आपके सामने अब मेंशन है ग्रीक गॉड ऑफ म्यूजिक लाइट एंड पोइट्री अपोलो अपोलो जो है वो पीछा करते हैं किसका ये जो डेफने हैं इसका पीछा करते हैं डेफने के पीछे पीछे भागते हैं और क्या करते हैं वो ऐसा नहीं है कि डेफने को पाना चाहते हैं बल्कि डेफने का पीछा करते हुए वो, वो किसको ले प्राप्त करते हैं लोरल को प्राप्त करते हैं डेफने जो है वो जाकर लोरल में चेंज हो जाती है यानी अपोलो जो है वो डेफने को हासिल करना चाहते थे और डेफने जो है वो भाग लेती है अपने आप को बचाने के लिए और जाकर लोरल ट्री के अंदर बदल जाती है किस चीज में चेंज हो जाती है लोरल पेड़ के अंदर बदल जाती है तो यहाँ जिक्र किया है ना गॉड का ये गॉड ऑफ़ म्यूजिक है और ये एक तरह की अप्सरा है डेफने ठीक है तो इन दोनों की जो दौड़ है वो जाकर कहाँ ख़त्म हुई प्रकृति में इसी तरीके से उन्होंने यूज़ किया एक और गोड पेन को लेकिन पहले हम इनकी पोइट्रिक डिवाइस देख लेते हैं उसके बाद में बात करेंगे देखिए सबसे पहले तो एल्यूजन क्योंकि रेफरेंसेस यूज़ किए हैं इन्होंने किसका डेफने का और सरिंग्स का दोनों यूज़ किए हैं उनके बारे में बात करेंगे उसके बाद मेटाफर कि यहाँ पर रेस वर्ड जो यूज़ हुआ है वो कैसे यूज़ हुआ है कि रेस यानी प्यार के लिए भाग रहे हैं प्यार प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कहाँ जाकर मिलते हैं वो प्रकृति में जाकर मिलते हैं सो so, यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है अब ये जो अपोलो और इनका आ, जिक्र किया है कि लोरल में जाकर बदल जाती है डेफने जो है उसके अंदर देखिए पोइटिक डिवाइस क्या आती है वही एलिजन कि ये जो कपलेट है ना डायरेक्टली ये हमारे सामने अपोलो और डेफने की कहानी हमारे सामने लेकर आता है ये क्लासिकल माइथोलॉजिकल एक स्टोरी है जिसके अंदर ऐसा बताया गया है वो हमारे सामने लेकर आ रहा है ठीक है नेक्स्ट टू लाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे पेन का जिक्र हुआ है पेन है जो सिरिंग्स का पीछा करते हुए रीड से जा मिलते हैं रीड होते हैं शुगर कैन कैन होती है ना वो होती है कि सिरिंग्स भी एक तरह की क्या है एक अप्सरा ही हैं जिनके पीछे भागते हैं पेन और पेन जो है वो ग्रीक गॉड हैं शेफर्ड्स के वो सिरिंग्स के पीछे भागते हैं और सिरिंग्स के पीछे भागते भागते वो सिरिंग्स को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि सिरिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है रीड्स में यानी शुगर केन में कुछ इस तरह से इसके पीछे भागते हैं और ये बदल जाती है इन इस तरीके से इन कैन में बदल जाती है ओके okay, तो इस तरह का एग्जाम्पल जो यूज़ किया है वो किस लिए यूज़ करा है यहाँ पोइट ने वो इसलिए यूज़ किया है कि मॉर्टल थिंग्स के पीछे चाहे कितना भी भाग लो लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो नश्वर हैं ख़त्म हो जानी है अंत जो है ना आपका वो प्रकृति में ही आकर रुकेगा आपकी जो दौड़ है भाग है जो आपका सुकून है वो आपको प्रकृति में ही मिलेगा इस चीज़ को आप स्पिरिचुअली भी अटैच कर सकते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म है ना उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं कैसे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है हाँ अब ये जो ह्यूमन बॉडी है ये किस चीज़ से बनी है ये फाइव एलिमेंट से बनी है और इसका जो एंड है वो क्या है वो भी तो अंत प्रकृति के अंदर ही है ना मिट्टी में मिल जाना है या फिर आग में खत्म हो जाना है तो नेचर एलिमेंट के साथ में ही तो जुड़ा है ना इसका अंत भी और इसका बिगनिंग भी तो नेक्स्ट स्टेंजा पे मूव करें अपन चलिए हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं यहाँ भी वही एल्यूजन मेटाफर है इसको इसलिए हमने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे माइथोलॉजिकल जो करेक्टर्स है उनको यूज किया है ठीक है नेक्स्ट वट सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या है यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के लिए जो है ना फ्रूट्स का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे ठीक है नेचुरल ब्यूटी uh, को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स का जिक्र करेंगे जो अभी हम आपको बताने वाले हैं हर एक कपलेट के अंदर आपको फ्रूट्स का जिक्र मिलेगा तो इसके अंदर पढ़ते सबसे कि वट वंडरस लाइफ इन दिस आई लेट राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड कि कितनी अद्भुत जगह है कितनी अमेजिंग जगह है कितना अमेजिंग जीवन जो है मैं यहाँ पे जी रहा हूँ कि पके हुए एप्पल्स जो है ना वो एकदम आकर मेरे सिर पर गिर रहे हैं यानी प्रकृति देखो आप कितनी ब्यूटी है यहाँ पर मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ मैं ऐसे सिनेरियो के अंदर हूँ कि जहाँ पर पके हुए एप्पल्स हैं जो मेरे सिर पर आकर गिर रहे हैं यानी ब्यूटी एक तरह से आप देखो यहाँ पर ना आपको इमेजिनेशन जो है आपकी आपको बिल्कुल ऐसी जगह पर ले जाएगी यानी पोएम के अंदर पोइट ने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करें ऐसे ऐसे लाइन्स यूज़ करें कि आपको एकदम से इमेजिनेशन के वर्ड के अंदर ले जाएगा कि आप खुद को फील करेंगे कि वाक्य में ऐसा कुछ हो रहा है कि ड्रॉप अबाउट माई हैड कि सर के ऊपर एकदम से आकर जो पके हुए सेब गिर रहे हैं यहाँ पोइटिक डिवाइस इमेजरी ओके इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको बता ही दिया है कि विविड डिस्क्रिप्शन है ना राइप एप्पल्स का ओके नेक्स्ट टू लाइन देखिए The luscious क्लस्टर ऑफ द वाइन अपोन माई माउथ डू क्रश देअर वाइन कि कुछ इतने प्यारे रसीले फल हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मेरे मुंह के पास आकर उनका जो रस है वो निकल जाएगा मतलब इतने भरे हुए लदे हुए हैं बिल्कुल एकदम जैसे ग्रेप्स होते हैं ना उनसे वाइन तैयार होती है बस उसी का जिक्र किया है कि अगर मेरे मुंह के आकर टच होंगे एकदम मेरे माउथ के आगे टच होंगे तो जैसे क्रश ही हो जाएंगे और उनका रस जो है वो मेरे अंदर चला जाएगा क्लियर वाइन यानी ग्रेप वाइन ओके अब यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस क्या हैं उसको देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है मेटाफर यूज हुआ है कैसे कि क्रश देयर वाइन है क्लस्टर्स वगैरह यूज किए हैं ये फिगरेटिव लैंग्वेज है ना ये रिचनेस बता रहे हैं किस चीज की नेचर की नेचर के अंदर कितनी ब्यूटी है कितनी क्वालिटी है उसको बता रहे हैं देन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि क्रशिंग देयर वाइन यूज हुआ है ना ये एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा है नेचर का ठीक है यहाँ जो इमेज यूज हुई है ना ग्रेप्स की क्रशिंग देयर वाइन तो यहाँ पर सोनिफिकेशन भी है और एनजामेंट तो है ही है क्योंकि ना लाइन के ऊपर फुल स्टॉप है ना कोमा है ये कंटिन्यू है नेक्स्ट नेक्स्ट है द नेक्स्ट ट्रेन एंड क्यूरियस पीच अब यहाँ आड़ू जो एक फल होता है पीच उसका जिक्र किया है पीच यानी आड़ू कि यहाँ पर आड़ू जो है वो भी है नेक्ट्रिन यानी स्मूथ स्किन टाइप पीच है एकदम स्मूथ है बिल्कुल इन टू माई हैंड्स दम सेल्फ डू रीच कि मेरे हाथ में अपने आप ही आ रहा है यानी अपने आप ही टच कर रहा है मुझे जाने की मुझे हिम्मत मेहनत मेंन, करने की जरूरत नहीं है अपने आप मेरे हाथ के नज़दीक आ रहा है यानी पोइट जो है वो कहाँ है यॉर्क शायर मैंने आपको बताया वहाँ पे बाग बगीचे बहुत सारे फल फूल बहुत अच्छी खूबसूरती के अंदर बैठा है और ये सारी चीज़ों के मजे ले रहा है बस बहुत और उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर जिक्र कर रहा है ठीक है देखिए यहाँ परसोनिफिकेशन कैसे है कि फ्रूट्स रीच है ना वर्ड यूज़ किया है ना रीच ये क्या है कि अपने आप फ्रूट्स नहीं चलकर आ सकता ना तो यहाँ क्वालिटी बताई है फ्रूट को कि फ्रूट जो है पहुंच रहा है एन्जाममेंट है क्योंकि फुल स्टॉप को कुछ नहीं है कंटिन्यू है, है लाइन सो so, यहाँ तक की पोइट्रिक डिवाइस हमारी कंप्लीट हो गई अब हम इस वाले स्टैंड का लास्ट कपलेट देख लेते हैं स्टम्बलिंग ऑन मैलेंस एज आई पास कि जैसे मैं गुजरता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे पैरों के अंदर मैलन्स पड़े हैं खरबूज तरबूजे वगैरह जो होते हैं उनकी बात हो रही है कि मैं जैसे गुजरता हूँ यानी नीचे भी यानी पेड़ों के ऊपर तो लदे हुए हैं ही है फल जमीन के अंदर भी बहुत सारी लताएं हैं ऐसी बहुत सारे ऐसे मतलब जो पौधे होते हैं ना जिनके अंदर मतलब फल लगते हैं ऐसे जो मैलन्स टाइप के होते हैं वो भी जमीन पर पड़े हुए हैं इतने पड़े हुए हैं कि मैं जिधर से गुजर रहा हूँ मेरे पैरों को टच कर रहे हैं और इन सब चीजों के साथ में फिर आगे क्या हुआ है कि एनजॉन विद फ्लावर्स आई फॉल ऑन ग्रास कि मैं फिर उसके बाद में क्या होता हूँ एकदम से ग्रास पर गिर जाता हूँ घास पर गिर जाता हूँ मतलब इतनी सारी ब्यूटी देखकर जो है ना मैं बिल्कुल आनंदित हो गया और मैं एकदम से जाकर कैसे गिर गया ग्रास पर गिर गया और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ फूल बिखरे हुए हैं ठीक है यानी कहने का मतलब क्या है पोइट जो है वो नेचर की ब्यूटी का बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट जो है वो यहाँ पर हमें दिखाए दिखा रहा है कि नेचर के अंदर नेचर के टच में जाकर कितना इंजॉय जो है इंसान कर सकता है ठीक है इसकी पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं देखिए एंजनार्ड विद फ्लावर्स का मतलब यहाँ पर ना स्पीकर ने मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से बताया है कि कैसे नेचर की ब्यूटी जो है वो हमें ट्रैप कर लेती है अपने अंदर बांध लेती है अब ये जो स्टेंजा है ना इस स्टेंज़ा के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि पॉइंट कह रहा है कि मैं गिर गया हूँ यहाँ पर जमीन पर गिर गया हूँ इतनी खूबसूरती देखकर अब यहाँ आगे क्या होगा पहले मैं आपको बता देती हूँ ये जो स्टेंजा है ना इस स्टेंज़ा के अंदर वो पॉइंट कह रहा है कि मेरा जो मन है अब जो मेरी बॉडी है ना वो बॉडी तो गिरी पड़ी है जमीन पर अर्थ पर गिर गई और मेरी जो सोल है वो अब प्रकृति के नजारे ले रही है यानी खुद आंख बंद करके और जमीन पर गिर गया है ऐसा नहीं है कि मतलब डेथ हो गई है मतलब बस आंख बंद करके जमीन पे लेट गया है घास पड़ी हुई है फूल बिखरे हुए हैं आराम से लेट गया अब जो उसकी आत्मा है ना वो नजारे ले रही है प्रकृति के ठीक है तो चलिए क्या हो रहा है देखिए वो बताएगा यहाँ पे कि मेरा मन ना एक अलग तरह की खुशी चाहता है जो मन में ही मतलब बन सकती है मन से ही उत्पन्न होती है एक तरह से ये समझो कि मन को ना सी की तरह बताया है इसने महासागर की तरह जो जमीन पर रहने वाला हर एक इंसान जो है ना वो अपना मन जो है वो कहीं तक भी ले जा सकता है हालांकि पूरी तरीके से अलग, अलग अलग जगह पर जा सकता है अपने मन से अलग अलग, अलग जगह बना सकता है अलग अलग समुद्र बना सकता है और फिर उनको ख़त्म भी कर सकता है तो यहाँ वही जिक्र कर रहा है कि इमेजिनेशन जो है ना अब पॉइंट की वो देखना आप कि क्या इमेजिन करता है देखिए मीन वाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजर लेस विड्रोस इन टू इट्स है मेरा जो मन है वो अलग तरह की खुशी जाता है जो मन से ही शुरू होती है यानी मन से ही स्टार्ट होगी और यहां जो उसका मन है, सबसे पहले पहले पोइट्रिक डिवाइस देख लेते फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे देखिये कंट्रास्ट है प्लेजर लेस प्लेजर भी और वो भी लेस एंड हैप्पीनेस सजेस्ट करें डिफरेंट काइंड ऑफ फुलफिलमेंट है ना माइंड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फुलफिलमेंट है परसोनिफिकेशन कैसे विद्रोज इन टू इट्स हैप्पीनेस ये परसोनिफाई कर रहा है माइंड को कि अलाउंग इट टू एक्ट और इमोशंस जो है ना ह्यूमन के टाइप के इमोशंस जो है उनको फील करने की कोशिश हो रही है तो यहां क्या है परसोनिफिकेशन है नेक्स्ट टू लाइन पे कि द माइंड मेरा जो मन है दैट ओशियन वे ईच काइंड इट्स ओन रिसम्बलेंस फाइंड कि हर इंसान का मन जैसा मेरा मन है ना महासागर की जैसे हो गया है हर एक इंसान का मन जो है ना वो ऐसा ही है अपनी अपनी जगह बना लेता है मतलब जब इमेजिनेशन में जाता है ना इंसान तो वो कहीं तक पहुंच सकता है भाई कोई किराया तो लगता नहीं है हाँ ना किसी तरीके का कोई समय लगता है जब आप इमेजिनेशन करना चाहो तो कहीं की भी कर लो तो वही बात हमारे स्पीकर कहना चाह रहे कि जब मैं आंख बंद करके धरती पर गिरा पे मतलब बहुत सारे फूल बिखरे हुए थे बहुत सारे मैंने फल देख लिए इतने अच्छे अच्छे तो अब तो मेरी इमेजिनेशन है ना भाई वो तो मतलब बहुत ऊपर गई मतलब अबाव मतलब मेरी कंट्रोल में भी नहीं रही वो इमेजिनेशन और ये जो रीजन है ना ये जो इमेजिनेशन का जो रीजन है ना वो किस वजह से है ये वो ब्यूटी की वजह से नेचर की ब्यूटी की वजह से और ऐसा हर एक इंसान के साथ हो सकता है जो प्रकृति के टच में जाए और प्रकृति की सुंदरता को देखने की कोशिश करे यट इट क्रिएट्स ट्रांसगेंडिंग दीज फॉर ईच वर्ड एंड अदर्स इनको करेंगे आगे पहले इसकी पोइटिक डिवाइसेस जो है उनको देख लेते हैं देखिए माइंड के बारे में बात करी है अब देखिए पोइटिक डिवाइस में क्या है कि माइंड जो है यहाँ पे देखो बताया है ना माइंड जो है वो क्या बताया है एज एन ओशियन कंटिन्यूज अक्रॉस दिस लाइन एंड रिचिंग द इमेज एंड इट्स सिम्बॉलिक मीनिंग यहां पे मेटाफर आ गया माइंड के लिए यूज किया है कि माइंड जो ना अथा महासागर की तरह है इमेजिनेशन के अंदर महासागर है कितनी डुबकियां जितनी कहीं से कहीं तक चले जाओ जाए ठीक है क्योंकि समुद्र क्या है आप जहां तक नजर मारोगे ना वहां तक पानी ही पानी है समुद्र चलिए नेक्स्ट टू तो लाइन पे येट इट क्रिएट ट्रांसगेंडिंग दीज फॉर अदर वर्ड्स एंड अदर सीज की ये जो है ना ये कहीं तक भी कोई क्रिएट कर सकता है अपने हिसाब से अदर अलग अलग दुनिया बना सकता है इमेजिनेशन में अलग अलग समुद्र बना सकता है अपने मतलब मन जो है पूरी तरह से अलग अलग भूमि अलग, अलग अलग महासागर बना सकता है इसमें मतलब कोई किसी का कोई दखलंदाजी नहीं होती तो यहाँ सिर्फ एक इमेजरी आप लिख सकते हैं क्योंकि इमेजिनेशन हमारी निकल के आ रही है अब देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट जो आपका स्टेंजा सॉरी नेक्स्ट जो आपका कपलेट है उसके अंदर वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि आन ऑल दैट्स मेड टू अट इन ग्रीन शेड अब देखो यहां क्या कह रहा है कि ये जो चीजें है ना ये किस वजह से हुई हैं? गार्डन की ब्यूटी की वजह से यानी ये जो खूबसूरती जो बनी है जो ये खूबसूरती है ये सारी की सारी खूबसूरती किस वजह से बनी है इस पीसफुल थॉट की वजह से बनी है जो मेरे दिमाग में आई है क्योंकि मुझे यहां क्या मिला है सुकून मिला है शांति मिला है अच्छा ये जो एनीहिलेटिंग जो होता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग यानी ये सब की सब चीजें जो है ना ऑल दैट्स मेड ये जो भी चीजें हैं ये जैसे भी बनी है ये किस वजह से बनी है ये जो है हरी भरी सोच ये हरी भरी परछाई जो है गार्डन की ब्यूटी की वजह से ये नेचर की ब्यूटी की वजह से बनी है और जो कभी भी हमारा मन खत्म भी कर सकता है कभी भी क्रिएट भी कर सकता है यानी मन है ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ये क्रिएट भी कर सकता है क्लियर पोइटिक डिवाइस देख लीजिए ग्रीन थॉट पर्सनलाइज कर रही है माइंड की एक्टिविटी को और पोर्ट्रे कर रही है थॉट को ठीक है क्लियर चलिए नेक्स्ट टेंजा पे चले नेक्स्ट टेंजा जो है हमारा इस टेंजा के अंदर पोइट की आत्मा जो मतलब एकदम उड़ गई है ना एक तरह से ये कहो ये जो सोल है ना आत्मा ये एक तरह से इमेजिनेशन की बहुत बड़ी बड़ी फ्लाई ले रही है फ्लाइट भर रही है उसका जिक्र हो रहा है कि कहाँ कहाँ जा रही है देखो अब उसकी आत्मा जो है ना वो कहाँ कहाँ जा रही है और क्या क्या इमेजिन कर रही है और कैसी कैसा फील ले रही है वो यहाँ पर जिक्र होगा हमारे स्टंजा के अंदर चलिए स्टार्ट करें हेयर एट द फाउंटेन स्लाइडिंग फूट फाउंटेन अब गार्डन के अंदर फाउंटेन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं है ना अब वहां पर क्या होता है जहां फाउंटेन होता है पानी गिर रहा होता है ना वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है मतलब फिसलन टाइप का स्लाइडिंग होने लगती है वहां पर स्लाइडिंग हो रही है मतलब फिसलन सी हो रही है कि मेरा पैर फिसल रहा है फाउंटेन चल रहे हैं और मेरा पैर जो है वहां पर फिसल जा रहा है और एट सम फ्रूट्स ट्री मोजी रोड और वहां पर ही मुझे देखने को मिला कि कुछ फल वाले पेड़ भी हैं जिनकी रूट्स जो है वो इस तरह से हो गई हैं मोजी हो गई हैं यानी काई लग गई है जिन पर इमेजिनेशन चल रही है उसकी सोल जो है ना वो इमेजिन कर रही है इन सब चीज़ों को कि वहाँ फाउंटेन है आत्मा जो शरीर एक तरह से शरीर को जमीन पर छोड़कर जो नेचर में खो गई है ना उसका वर्णन जो देखने को मिल रहा है कि मेरी आत्मा फील कर रही है कि गार्डन में फाउंटेन के पास जमीन की नमी के कारण मेरे पैर फिसल रहे हैं भाई और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो मतलब फ्रूट से भरे पड़े हैं लेकिन उनकी रूट जो है वो कैसी हो गई है काई से भर गई है क्लियर अब पोइटिक डिवाइस देख लीजिए इमेजरी तो यहाँ आपको देखने को ही मिलेगी क्योंकि भाई इमेजिनेशन तो चली रही है बहुत तगड़ी सोल इमेजिन कर रही है सोल घूम रही है इधर से उधर एलिट्रेशन है रिपिटेशन ऑफ एफ साउंड फाउंटेन एंड फूड के अंदर आ रहा है तो यहां पे क्या हो गया एलिट्रेशन हो गया नेक्स्ट टू लाइन्स में कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड अब क्या कर दिया सोल ने क्या किया सोल ने क्या किया जो हमारा जो शरीर है ना उसको मतलब एक वस्त्र की तरह एक कपड़े की तरह अलग कर दिया साइड में कर दिया और माई सोल इन टू द बफ डज इन शाखाओं के अंदर पेड़ों की शाखाओं के अंदर मेरी जो सोल है ना वो ग्लाइड कर रही है ग्लाइड करने का मतलब बहुत स्मूथली मूव कर रही है ठीक है यानी मेरे शरीर को साइड में छोड़कर मेरी आत्मा जो है वो निकल पड़ी है उड़ान पे क्लियर इमेजिनेशन बन रही है ना इमेजरी तो लिख देना बिना पूछे ठीक है मैटाफर आज आ जाता है यहाँ पे क्योंकि क्या कहा है कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट ए साइड मेटाफर कैसे है कि सोल जो है अच्छा इसके अंदर तो है ही है और साथ के साथ सोल इंटू द बफ्स डज ग्लाइड ये चीज बहुत पावरफुल मेटाफर है यहाँ पे क्योंकि जो फिजिकल लिमिटेशन है वो यहाँ दिखाई गई कि फिजिकली ऐसा नहीं हो सकता है ना ये क्या है ये एक तरह से स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखा रहा है हमें तो इसलिए यहाँ यूज हुआ है मेटाफर पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि सोल जो है उसके अंदर एबिलिटी है एक्ट करने की मूव करने की क्लियर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं देयर लाइक अ बर्ड अब आत्मा देखो कैसा फील कर रही है मेरी आत्मा फील कर रही है एक बर्ड की तरह लाइक अ बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स पेड़ ऊपर बैठती है गाती है देन विट्स एंड कॉम्स इट्स सिल्वर विंग विट्स का मतलब शार्पन करना यानी अपने पंखों को एकदम है बहुत लंबी लंबी उड़ान लेने के लिए सिल्वर सिल्वर विंग विंग का मतलब सुनहरे सुनहरे पंख है है अब आत्मा की जब जब बात होती है ना जब आपको व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ ऐसा आता है ना इमेजिनेशन के अंदर तो यहाँ सिल्वर कलर यूज कर लिया ओके आत्मा की जब बात होती है तो व्हाइट व्हाइट कुछ ऐसे इमेजिनेशन से आती है कि मेरी आत्मा जो है एक पक्षी की तरह महसूस कर रही है एक बर्ड की तरह महसूस कर रही है पेड़ों की शाखाओं पर बैठती है अपने जो उजले उजले से पंख है अपने वाइट -वाइट जो पंख है, उनको सवारती है, लंबी उड़ान के लिए तैयार कर लाइक बर्ड सो हेयर मेटाफर क्योंकि सिल्वर विंग्स यूज किया है।, कर है ना हमारी इमेज को है ना सजेस्ट कर रहा है कि स्पिरिचुअल प्योरिटी है सिल्वर इज सिल्वर एंड वाइट हा सिल्वर एंड वाइट

इस तरीके से यानी आत्मा जो है बिल्कुल प्रकृति के अंदर घुस गई है इस तरह से लाइटन हो गई है एकदम से तो इसका देख लेते पोइटिक डिवाइस लॉन्गर फ्लाइट यहाँ सजेस्ट कर रहा है एक फ्यूचर स्पिरिचुअल जर्नी को सो हेयर इज मेटाफर एंड इमेजरी तो भरा पड़ा है इमेजरी तो आंख बंद करके लिख देना भाई सोचना ही मत इस पोएम के अंदर इमेजिनेशन तो इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं ध्यान से अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से तो इमेजिनेशन में तो आप भी खो गए होंगे इस चीज़ की तो गारंटी है चलिए नेक्स्ट चेंज पर चलते हैं अपन नेक्स्ट टेंजा है हमारा इस टेंजा के अंदर भाई यहाँ पे ना एडम जो हाँ फर्स्ट मैन था ना अर्थ के ऊपर उसकी बात हुई है इडन गार्डन की बात हुई है और उसका जिक्र हुआ है एक बार देख लेते हैं किस तरह से जिक्र किया है सच वाज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट वाइल मैन देयर वॉकड विदाउट अ मेट कि मेरे को यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है ना इतना प्यारा लग रहा है ना जितना अच्छा उस इंसान को लगा था उस समय जब वो अकेला था इस गार्डन के अंदर और वो कौन सा था इडन गार्डन है ना इडन गार्डन जो है देखिए इसके पीछे ना एक कहानी है माइथोलॉजिकल है कृष्ण के अंदर ऐसा बिलीफ है कि गॉड ने एडम को बनाया था सबसे पहले और एडम को बनाया और धरती पर भेजा इडन गार्डन उसके लिए तैयार किया ये धरती जो थी खूबसूरत बगीचा था जिसका नाम इडन गार्डन लख, रखा यहाँ पर और एडम को भेजा कि तुम जाओ और इडन गार्डन में रहो आराम से सुकून से शांति के साथ मासूमियत के साथ रहो लेकिन एडम अकेला कैसे रह सकता था उसे चाहिए था कोई साथी अब वो साथी जो है वो ईव थी ईव जो है वो गॉड ने बनाई और एडम के पास में भेज दी और फिर बाद में तो फॉल भी हुआ वो सब कुछ तो मैं आपको डिस्कस करूंगी पैराडाइज लॉस जब आपको पढ़ाऊंगी तब तो ये फर्स्ट मैन था धरती पर जैसे हिंदी की हिंदी माइथोलॉजी की हाँ हिंदी कहावतों की अगर बात की जाए तो आदम और हवा जिक्र किया है ना तो वही सेम एडम जो है वो है तो उनकी बात की है कि मैन जो है वो विदाउट मेट यहाँ पर चल रहा था घूम रहा था बस ऐसा ही मुझे फील हो रहा है जैसे एडम जो है यहाँ पर महसूस कर रहा था जब पहली बार वो यहाँ इडन गार्डन में आया था तो यहाँ पे मेटाफर है कि गार्डन स्टेट ये रेफर कर रहा है क्या फिजिकल लोकेशन और आइडियल स्पिरिचुअल कंडीशन भी एडम की एडम ने इंजॉय किया था ना मैंने अभी आपको बताया कि एडम जो है वो क्या है ये क्रिश्चनिटी की माइथोलॉजी की बात करें अगर क्रिस्ट क्रिश्चियन माइथोलॉजी की अगर बात की जाए तो एडम वॉज द फर्स्ट मैन हाँ गॉड के द्वारा जो धरती पर भेजा गया था ठीक है अब नेक्स्ट जो हमारा कपलेट है उसमें देख लेते हैं आफ्टर ए प्लेस सो प्योर एंड स्वीट वट अदर हेल्प कुड येट बी मीट कि ये जगह तो इतनी प्योर इतनी प्यारी थी ना कि किसी और की जरूरत ही नहीं थी कि कोई मुझे मिले कोई मेरी मदद करे मुझे चाहिए ही नहीं था इतनी प्यारी जगह थी ये जैसे जैसे कि एडम के लिए इडन गार्डन था बस वैसा का वैसा ये जो गार्डन है वो मेरे लिए है तो हेयर इज मेटाफर ए प्लेस सो प्योर एंड स्वीट मेटाफोरिकली ये डिस्क्राइब करता है गार्डन को ओके नेक्स्ट बट इट वॉज बियॉन्ड अ मोर्टल शेयर टू वंडर सॉलिटरी देयर लेकिन यहां पर क्या हुआ था बट इट वॉज बियॉन्ड अ मोर्टल शेयर मोर्टल शेयर का मतलब होता है जैसे ह्यूमन लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं ना उसके बारे में बात होती है जो इंसान मर जाता है मतलब वो मरने वाला जो इंसान होता है क्योंकि जो इंसान जन्म लेगा वो मरेगा जरूर उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं ना कि उससे तो कुछ ऊपर मैंने आज एक्सपीरियंस किया है उससे तो अच्छा मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे टू तो वांडर सॉलिटरी देयर वांडर यानी घूमना इधर उधर सॉलिटरी यानी अकेले देयर यानी यहाँ इस गार्डन में इस गार्डन में अकेले घूमते हुए मुझे इतना प्यारा फील हुआ इतना अच्छा फील हुआ है उतना तो कभी किसी भी इंसान को नहीं हुआ होगा किसी भी ह्यूमन बीइंग ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो देखिए नेक्स्ट टू लाइंस के अंदर क्या है टू पैराडाइजेज इट वर इन वन दो स्वर्ग अब देखो टू पैराडाइज अब टू पैराडाइज कैसे हुआ इस चीज को थोड़ा सा समझ लो आप टू पैराडाइजेज से हुए कि एक तो वो गार्डन में है ठीक है ना एक तो गार्डन में है यानी उसकी मनचाही जगह दूसरा वो अकेला है अकेला है तो भी वो स्वर्ग में ही है क्योंकि उसको कोई परेशान करने वाला नहीं है इंसान को बुरा कब फील होता है जब उसको कोई टीस करता है उसको कोई परेशान करता है भाई अकेला है अपने मन का राजा है कहीं से कहीं तक घूम कहीं से कहीं तक जा जैसे एडम को भगवान ने क्या कहा था एडम को कहा था कि भाई ये ईडन गार्डन तेरा है तेरे मन में आए जो तू खा तेरे मन में आए जहाँ घूम तेरे मन में आए जैसे रह यही तो कहा था भगवान ने एडम को और वही फील कर रहे हैं हमारे स्पीकर तो उनके लिए तो दो पैराडाइज हो गए एक तो वो गार्डन में है और ऊपर से वो अकेले हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं कर रहा है ठीक है टू लिव इन पैराडाइज अलोन कि मुझे ये स्वर्ग प्रतीत हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ क्लियर पोइटिक डिवाइस देख लीजिए पैराडॉक्स है क्योंकि टू पैराडाइजिस इट वर इन वन एक के अंदर दो स्वर्ग महसूस हो रहे हैं तो ये एक तरह से पैराडॉक्स हो गया विरोधाभास हो गया क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट्री नेचर हो गया ना एडम का एक्सपीरियंस है यहाँ पर हाँ पैराडाइज भी है प्रेजेंट एंड इनकम्प्लीट कि वो है भी और इनकम्प्लीट भी है क्योंकि उसको एक साथी चाहिए था एडम को तो एक साथ ही चाहिए था जो उसके साथ घूमे और ये जो है ये अपने आप को स्वर्ग में फील कर रहे हैं स्पीकर जो है वो अपने आप को स्वर्ग में फील कर रहे हैं इस जगह पर आके नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा है हमारा पोएम का हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू अब ये जो गार्डनर है यानी ये जो स्टेंजा है इस स्टेंजा के अंदर जो गार्डनर जो वर्ड यूज़ किया है ये गोड के लिए हुआ है क्योंकि गोड ने ही तो क्रिएट किया ना गार्डन प्रकृति दुनिया जो बनाई इंसान जो बनाया भगवान नहीं तो बनाया तो यहाँ गार्डनर कौन हुआ गोड हुआ आप ह्यूमन बींग को मत लेना यहाँ पे इस तरीके से लेना क्योंकि प्रकृति की रचना जो है वो भगवान के द्वारा की गई है तो वो कह रहे कि हाउ वेल द स्किलफुल कि कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है ना इस टैंड कहते हैं कि, कि इस माली ने कितनी अच्छे तरीके से सब कुछ रेडी किया है कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ बनाई है और फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस स् डायल न्यू दिस डायल डायल का मतलब क्लॉक फेस इस तरीके का कुछ तैयार किया है यानी इतना सुंदर गार्डन जो है तैयार किया है भगवान ने ऐसा लगता है कि जैसे कोई घड़ी ही बना दी हो क्यों अब देखो इसको कैसे समझोगे देखो भाई जो हर्ब्स होती हैं ओके जो ट्रीज होते हैं एंड जो प्लांट्स होते हैं उनका अपना सीजन होता है होता है सीजन के वाइज होते हैं वो हावस समझ लो ट्रीज समझ लो प्लांट समझ लो सीजन वाइज होते हैं तो हमें है, ये ये जो प्रकृति है, बिना घड़ी के ही सीजन की जानकारी देती है प्लस सन जो है सन की रोटेशन हमें टाइम बताती है कि सन जो बिल्कुल एकदम हमारे हेड के एकदम ऊपर होता है तो बिल्कुल एकदम एकदम चढ़ गया है ठीक है धीरे 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 जो है डाउन आता जाता है पुराने लोग तो इसी तरीके से तो टाइम का पता लगाते थे कौन सी घड़ियाँ हुआ करती थी पहले पुराने लोग इसी तरह से पता लगाते थे कि भाई छाया है जो वो यहाँ से यहाँ तक आ गई तो अब इतने बजे होंगे यानी ये टाइम हुआ होगा कि अब बस संध्या होने वाली है गोधुली का समय है अब संध्या आरती का टाइम हो गया मीन्स इस टाइप से चलता था तो ये कह रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से गार्डनर ने ये सब कुछ जू किया तो हेयर इज मेटाफर क्योंकि सन डायल मेड ऑफ फ्लावर्स ये देखो इस तरीके से यूज हुआ है ना तो ये क्या है मेटाफर है नेक्स्ट लाइन के अंदर वेयर फ्रॉम अबाउ द माइल्डर सन जहाँ पे ये जो सन है ये कह रहे हैं कि ऊपर जो ये घड़ी सी बनी है ना ये जिस तरीके से प्रकृति पूरा का पूरा गार्डन जो है पूरी पूरी जो नेचर जो है वो क्रिएट की है भगवान ने उसके ऊपर जो ये सन जो है चमक रहा है डज थ्रो अ फ्रेग्रेंट जॉयडिक रन ये जोडिक का मतलब होता है राशि चक्र जो सूर्य और सभी ग्रहों की स्थिति बताता है ना उसको बोलते हैं जोडिक जोडिक रन का मतलब है कि ये जो सूरज चमक रहा है ना ये सारी चीज़ों की जानकारी दे रहा है जेंटल है इसकी सनलाइट ये एक तरह से चारों तरफ चमक रहा है ये हमें जानकारी दे रहा है सूर्य अपनी खुद की स्थिति की भी और बाकी जो ग्रह हैं उनकी भी हमें जानकारी मिल रही है या पोइटिक डिवाइसेस क्या है परसोनिफिकेशन क्योंकि सन जो है ये यहाँ पर कैसा बताया माइल्डर ये क्या ह्यूमन लाइक क्वालिटी बताई है यहाँ पर जबकि सन कभी भी माइल्डर नहीं माना जाता है ना कौन माना जाता है मून माना जाता है सन नहीं माना जाता तो यहाँ पर क्या है ह्यूमन लाइक क्वालिटी आ गई सो हेयर इज परसोनिफिकेशन एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कि ये जो सन है वो इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि इंडस्ट्रीज भी यानी बहुत मेहनती होती है मधुमक्खियां मधुमक्खियों की तरह काम कर रहा है यहां पर मधुमक्खियां भी अपना काम जो बहुत मेहनत से करती हैं और वो क्या करती है कंप्यूट इट्स टाइम एज वेल एज वी ये इस तरीके से टाइम को मेजर कर लेता है जैसे कि हम करते हैं यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सूरज जो है ना उसका जिस तरह से चमकना होता है उसकी तेज़ी उसकी नरमी इन सब चीज़ों से जो है टाइम का पता लग जाता है और यहाँ पर इस गार्डन के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकृति के अंदर बहुत मेहनत करने वाली बीज भी क्योंकि तो वो भी क्या करती हैं वो भी दिन भर इसी तरीके से मेहनत करती हैं फूलों में से रस जो है चूसती हैं और वो शहद इकट्ठा करती हैं है ना करती हैं तो इस तरीके से इन्होंने सारे नेचुरल एलिमेंट्स जो है ना वो यूज़ करें हैं देखिए पर्सोनिफिकेशन है कि बी जो है उसको इंडस्ट्रीज बोला है मेहनती बोला है ठीक है सिमली है क्यों क्योंकि सिमली यहाँ पे किस तरीके से यूज किया है एज वेल एज वी यूज किया है ना एज वेल एज वी यानी हम लोग जैसे हैं उस तरीके से जैसे हम लोग मेहनत करते हैं टाइम को देखकर टाइम जो है उसका इतना ध्यान रखते हैं उस तरीके से ये जो बीज हैं वो भी कितना ज्यादा समय का ध्यान रख रही हैं उस तरीके से काम कर रही हैं नेक्स्ट टू लाइन हाउ कुड सच स्वीट एंड होल आवर्स बी रेक बट विथ हॉब्स एंड फ्लॉप्स की कितना प्यारा समय जो है कितने प्यारे घंटे जो है वो मैंने यहाँ पर बिताए ये कैस किस तरीके से काउंट भी नहीं किए जा सकते यानी मैं ये जो हर्ब्स है ये जो फ्लावर्स है इनके बीच में हम लोग रहे मतलब मैं रहा मैंने जो अपनी फीलिंग्स जो हैं यहाँ पर अपनी अपने आप से रिलेट करी उनको मतलब काउंट भी नहीं किया जा सकता कहने का मतलब ये है कि पूरा पुर, प्रकृति का इन्होंने एकदम से यहाँ असेंस जो है हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया कि नेचर जो है ना वहाँ पर सच्ची खुशी मिलती है प्रकृति के टच में जाने के बाद में सच्चा सुकून जो है वो हमें मिलता है अब हम जो है सारा का सारा पूरा का पूरा हर्ब्स और फ्लावर्स जो है उसकी बात कर रहे हैं तो एक बार के लिए पूरा का पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस पूरा स्टंजा को इस चंजा के अंदर एक्चुअली बताया है गोड के बारे में कि गोड ने कितने प्यारे प्यारे फूल पौधे पत्तियाँ हमारे लिए औषधि बनाई हैं कितना प्यारा जो है हमारी प्रकृति का सबसे बड़ा जो अगर हमारे सामने एक उदाहरण है वो सन है जिसकी वजह से प्रकृति जो है हमारे सामने जीवित है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो पेड़ पौधे पत्ते जो हैं वो नहीं खिलेंगे और ये जो सूरज है इसकी वजह से जो है समय का भी हमें पता लगता है सीजन्स चेंज होते हैं तो ये सारी चीज़ें कितनी स्वीट है हमारे लिए कितनी अच्छी हैं इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते क्लियर ठीक है यहाँ पर इमेजरी है साथ में मेटाफर है मेटाफर कैसे है कि देखिए यहाँ पे ना कंपैरिजन ऑफ टाइम स्पेंड ए मिडस्ट नेचर ऑफ बीइंग रिकॉर्न विद फ्लावर्स एंड हर्ब्स हाँ ये सजेस्ट कर रहा है किस चीज़ का नेचुरल एलिमेंट्स का इसके अंदर मेटाफर आता है तो यहाँ आपकी जो ये पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है लेकिन अभी हमें पोएम के बारे में थोड़ा सा समझना है जानना है इसके जो पोइट है उनके बारे में थोड़ा देखेंगे थीम मैसेज स्ट्रक्चर और फॉर्म को थोड़ा जान लेते हैं सिर्फ दो सेकंड के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं पोएम के बारे में पूछ लिया जाता है बहुत बार एंड्रू मार्वल जो है वो इसके पोइट हैं लाइफ स्पेन इनका 1621 से 1678 के बीच का है इट मीन सेवेंटीन सेंचुरी के इंग्लिश पोइट है ये क्रिटिक भी रहे हैं ये सेटरिस्ट भी रहे हैं ये पॉलिटिशियन भी रहे हैं और ये अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं मेन जो थीम है पोएम का बताने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ब्यूटी ऑफ नेचर एंड पावर ऑफ सॉलीटूड है अकेलेपन के अंदर मतलब कितनी कैपेसिटी इमेजिनेशन के मतलब उड़ाने भरता है इंसान स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात की जाए तो आपको बताया ही था कि नाइन स्टेंजाज है नाइन स्टेंजाज और साथ में क्या ई स्टेंजा कंटेना ऑक्टेव एन ऑक्टेव और यू कैन से फोर कपलेट्स है ना और राइम स्कीम भी बहुत प्यारी है ए बी बी सी सी डी टी है जिसे निकालना अभी हम सीखने वाले हैं और मैसेज जो है ना पोएम का वो है कि ट्रू हैप्पीनेस और जो कंटेनमेंट है जो संतोष जो शांति जो प्यार जो खुशी जो मिलती है वो मिलती कहाँ है प्रकृति में मिलती है है ना और अपने खुद के दिमाग में ही मिलती है जब हम सोच लेते हैं प्रकृति के टच में आते हैं अपने मन को शांत करते हैं शांति तभी मिलती है ठीक है अब एक बार देख लो थोड़ा सा राइम स्कीम वैसे तो आप लोग निकालना बहुत अच्छे से समझ गए हो राइम स्कीम लेकिन एक बार देख लीजिए क्योंकि इसकी थोड़ी सी अलग है ना हम अभी तक शेक्सपियर को ज़्यादा स्टडी कर रहे थे अब देखो इसके अंदर लास्ट जो वर्ड है बस उसको हमें साउंड करके देखना है कि क्या आ रहा है साउंड और उसके बेस पर हम इसकी राइम स्कीम निकाल लेंगे अमेज अमेज को एज्यूम करो ए बेज सेम साउंड सी द डिफरेंट ट्री सेम एज सी शेड डिफरेंट अब्रेड शेड के जैसा है क्लोज ये अलग है तो रिपोज भी क्लोज के जैसा है तो राइम स्कीम क्या हुई ए ए बी बी सी सी डी डी क्लियर तो ये हो गई हमारी रैम स्कीम अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिले और सब्सक्राइब तो कर लीजिए चैनल ताकि अपनी फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाए और मन करे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का थैंक्स फॉर वॉचिंग